तो भाजपा का जो 4 महीने पहले विरोध कर रहे हैं, एजेंट हैं, काउंटिंग एजेंट हैं, आप उनको सांसद प्रतिनिधि बना रहे हैं, लेकिन हम लोग फिर भी चुप हैं क्योंकि हम संगठन के कार्यकर्ता हैं। कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो विधानसभा चुनाव में जिन्होंने विरोध किया था, उसके बाद भी उनको सांसद प्रतिनिधि बनाए गए। जनप्रतिनिधि अपने टीम का चयन करता है, सागर से तो मैं किसी को लेकर गया नहीं, जो है सब वही करते। मध्य प्रदेश के बीजेपी के बड़े नेताओं के इन बयानों को आपने सुना। कल तक ये बयान मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की राजनीति को गर्म रखे थे, लेकिन उसके बाद एक ऐसा फैसला हुआ जिसके बाद मामला शांत होता हुआ नजर आ रहा है। क्या है पूरी कहानी, विस्तार से हम बताएंगे। नमस्कार, मैं हूँ अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में टीकमगढ़ लोकसभा सीट से चुनकर संसद पहुंचे और मोदी सरकार में मंत्री बने वीरेंद्र खटीक के एक फैसले को लेकर स्थानीय नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। कल तक बीजेपी के बड़े नेता अपनी ही पार्टी के सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री वीरेंद्र खटीक के खिलाफ मोर्चा लामबंद करते हुए नजर आ रहे थे। स्थानीय विधायक पूर्व मंत्री और जनप्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक के एक फैसले पर पुरजोर तरीके से विरोध किया था। क्या था ये पूरा मामला, इसको समझ लीजिए। दरअसल केंद्र में मंत्री बनने के बाद वीरेंद्र खटीक ने अपने लोकसभा क्षेत्र में 1 सैकड़ा यानी कि 100 से ज्यादा सांसद प्रतिनिधियों की नियुक्ति कर दी थी और इसी बात का विरोध स्थानीय बीजेपी के नेता कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जिन चेहरों को सांसद प्रतिनिधि बनाया गया है वो तो कांग्रेस की प्रवृत्ति से जुड़े हुए या फिर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं और इसी बात का विरोध स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का आरोप ये भी था कि कांग्रेस की मानसिकता वाले चेहरों को सांसद जनप्रतिनिधि बनाने पर वो विकास में रोड़े अटका रहे हैं। ये मामला भोपाल से लेकर दिल्ली तक पहुंचा, लेकिन केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक मीडिया के सामने अपने फैसले को लेकर अड़िग नजर आए। क्या कहा था केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने, आप भी सुन लीजिए। मैं तो भैया सीधा साधा व्यक्ति हूँ, सीधी साधी राजनीति करना जानता हूँ। मैं कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा हूँ, कार्यकर्ताओं का अपमान नहीं होने दूंगा। मुझे अपने प्राणों की बाजी भी लगाने लगी पड़ेगी तो मैं कार्यकर्ताओं को जो है ना किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी तरह का नुकसान ना मैंने होने दिया है ना मैं होने दूंगा। 100 से ज्यादा सांसद प्रतिनिधियों की नियुक्ति पर हो रहे विरोध के बावजूद केंद्रीय मंत्री अपने फैसले से मुकरते हुए नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन विरोध इतना बड़ा कि मामला भोपाल से लेकर दिल्ली तक पहुंचा और पार्टी हाई कमान के दखल देने के बाद केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक के तेवर नरम हो गए और उन्होंने 100 से ज्यादा तैनात सांसद प्रतिनिधियों की नियुक्ति निरस्त कर दी। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री ने पत्र भी जारी किया और उसमें साफ तौर पर लिखा कि नई व्यवस्था को जल्द लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक के इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश भाजपा ने भी राहत की सांस ली है। क्या कहना है मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का, आप भी सुन लीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा दल है, कभी कभी बातें हो जाती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक पद्धति पर काम करने वाला संगठन है। यहाँ समस्या इसलिए नहीं आती कि एक सिस्टम है, सिस्टम में मुझे भी चलना पड़ेगा, आपको भी चलना पड़ेगा, तो सिस्टम होने के कारण से दिक्कत रही है, उसका समाधान हम निकाल लेते हैं। हम आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक मोदी सरकार में सामाजिक न्याय विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अपनी सादगी भरी राजनीति के लिए वीरेंद्र खटीक पहचाने जाते हैं, लेकिन अपने एक फैसले के कारण वो अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए। हालांकि पार्टी हाईकमान के दखल के बाद अब ये मामला शांत होता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन इसकी चिंगारी आने वाले दिनों में और भड़केगी, ये देखने वाली बात होगी।